आधुनिक टेक्नोलॉजी के समय में रामलीला का मंचन लुप्त सा हो गया है, लेकिन नागपुर गांव ने इसे आज भी जीवित रखा है। दरअसल गांव में 68 साल से रामलीला का मंचन हो रहा है। एक तरफ नवरात्रि के मौके पर दुर्गोत्सव की धूम है, लोग माता की आराधना कर रहे हैं, दूसरी तरफ मनेनगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले के नागपुर गाँव में माता की आराधना के साथ रामलीला का भी मंचन होता है, जो हर साल नवरात्रि में 9 दिनों तक चलता है। इसमें ग्रामीण ही अभिनय करते हैं, राम लक्ष्मण और सीता का किरदार भी युवा ही निभा रहे हैं। इधर रात 9 बजे से 1 बजे तक चलने वाली रामलीला को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ती है। इस गांव में तीसरी पीढ़ी के लोग अपने पूर्वजों की कला जीवंत रखे हुए हैं। रामलीला मंडली सरगुजा संभाग की सबसे पुरानी मंडली है, जिसमें अभिनय करने वाले कलाकार संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे जो पूर्वज आज विगत 68 वर्षों से ये परंपरा, जिस समय लालटेन जला करके उन्होंने रामलीला खेलना चालू किया था, और उनका जो ध्येय था कि हम अपने समाज को, अपने इस पूरे क्षेत्र को एक संदेश दें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो किस प्रकार से हमको अनुसरण अपने अंदर करना चाहिए। जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से देखा है और उन्हीं को देख देख के कोशिश कर रहे हैं कि हम और लोगों को ऐसा दिखा सकें, यह मानव सभ्यता आगे बढ़ जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ हम भी जुड़े हुए हैं कि शायद हम राम या भरत ना बना सकें, लेकिन रावण की प्रवृत्ति को रोक दें तो हमारा यह प्रयास सार्थक हो जाए।